नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि अब आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम ज्ञानदीप में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का चैप्टर 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। तो ये जो चैप्टर है, ये हमने पिछले सेशन में भी पढ़ लिया था, आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। और जो चैप्टर के लेखक है, उनका नाम भी मैंने पिछले सेशन में बता दिया था, कामता नाथ जी। तो कामता नाथ जी ने ये चैप्टर लिखा है। आज का जो एक बहुत ज्यादा संवेदनशील जो एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, वो है औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास जो हमारे समाज में, हमारे देश में हुआ है, इससे हमारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो हमें इस चैप्टर में कामता नाथ जी ने बताया है। और ये उन्हीं के जीवन की एक घटना है, जो उन्होंने बिल्कुल अपने जीवन से ही जुड़ी हुई घटना के आधार पर पाठ लिखा है कि किस तरह से उनकी ही आंखों के सामने एक जो परिवार था, जो कुटीर उद्योग से लघु उद्योग के द्वारा अपना जीवन चलाता था, और किस तरह इस औद्योगिक विकास के कारण, कारखानों के का चलन के कारण, मशीनी युग के आने के कारण, किस तरह छोटा सा एक लघु उद्योग समाप्त हो गया, और जो वो परिवार है वो किस तरह की परिस्थितियों में फंस गया। तो चैप्टर हमने शुरू कर लिया था, इसको कंप्लीट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, पढ़ते हैं चैप्टर लाख की चूड़ियां। तो चैप्टर लाख की चूड़ियों में लेखक जो कामता नाथ जी हैं, वो बताते हैं कि वो अक्सर अपने मामा के गांव जाया करते थे। और मामा के गांव में जो एक यहाँ पर कैरेक्टर दिया गया है, यहाँ पर जो एक व्यक्ति है, बदलू नाम के जो व्यक्ति है, वो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करते थे। वो उनका एक पारिवारिक उद्योग था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। तो इस तरह वो बताते हैं कि वो हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करते थे, और वो जो बदलू थे व्यक्ति, उनके पास जाकर बैठ जाया करते थे। बहुत ज्यादा वो उनसे एकदम दिल से कनेक्ट हो चुके थे, तो इसीलिए वो उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करते थे। बदलू काका जो थे, वो भी उन्हें प्रेम किया करते थे। और अक्सर जब जो लेखक हैं, वो वहां पर जाते तो उनकी खातिर किया करते थे, और उनको बैठने के लिए वहां पर स्थान भी दिया करते थे। तो यहाँ पर जो लेखक है कामता नाथ जी, उन्होंने बदलू को जो बनाने वाले थे लाख की चूड़ियां, उन्हें बताया कि हमारा जो शहर है, हमारे शहर में अक्सर जो महिलाएं होती हैं, वो कांच की चूड़ियां ही पहना करती हैं। तो क्या अंतिम हमने पंक्ति पिछले सेशन में छोड़ी थी कि वहां पर लेखक कहते हैं कि बदलू कहते हैं, लला वहां पर तो सब कुछ होता है, वहां की औरतें तो अपने मर्दों का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, तो लाख की चूड़ियां पहनने से तो उनमें मोच आ सकती है। इस तरह की बातें लेखक को बदलू ने कही, और वो बदलू जो है, उनकी बहुत अच्छी खातिर भी किया करते थे। कभी कभी उनको दूध की मलाई दे दिया करते थे, और आम के सीजन में बहुत सारे आम लेखक उनके घर से खा लिया करते थे। और सबसे बड़ी बात जो कि लेखक ने इस पाठ में हमें बताई है, वो ये है कि इन बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता था, कौन अच्छा लगता था? बदलू, जो कि लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। तो लेखक कहते हैं कि वो लगभग रोज ही इस मेरे लिए एक दो गोलियां बना दिया करता था, लाख की गोलियां, जिससे लेखक खेला करते हैं। तो बच्चों के कोई ना कोई खिलौने होते हैं जिनसे वो बचपन में खेला करते हैं, जिनको एकत्रित करना बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर
लेखक कहते हैं उनकी जो रुचि थी, उनका जो उनकी जो पसंद थी वो थी लाख की गोलियां, जो बदलू उन्हें अक्सर बना कर दिया करते थे। अब आगे पढ़ते हैं, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। एक आधे महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। लेखक कहते हैं कि बचपन में अक्सर अक्सर वो अपने मामा के वहां जाया करते थे, तो वो कहते हैं कि दो तीन बार ही वो गए होंगे, तभी उनके पिताजी की दूसरे शहर में बदली हो गई, यानी कि ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उनके पिताजी जो होंगे वो किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत होंगे, तो वहां पर से एक, क्योंकि सरकारी नौकरी में अक्सर ये होता है कि एक जगह पर हम स्थिर होकर काम नहीं कर सकते, हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता रहता है, तो यहाँ पर भी लेखक के पिताजी का किसी दूर शहर में जाकर ट्रांसफर हो गया। और अब वो बताते हैं कि एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। फिर एक ऐसा टाइम आया कि बहुत लंबा समय बीत गया और लेखक अपने मामा के वहां नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहां गया। देखिए क्या होता है कि एक टाइम के बाद फिर हम अपनी पढ़ाई में, अपने काम काज में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम नानी के घर जाना, ये सारी चीजें जो है ये दूसरे नंबर की आवश्यकता हमारी बन जाती है। तो हम पहली जो हमारी आवश्यक चीजें होती हैं, जो हमारी नेसेसरी है, जरूरी चीजें हैं, हम उनको पूर्ण करते हैं। तो लेखक यहाँ पे यही बता रहे हैं कि 8-10 वर्ष का गैप आ गया था वहां पर। और अब लेखक बताते हैं कि वो इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि नहीं रह गई थी, जो क्योंकि हर टाइम के बाद हमारी जो रुचि होती है वो चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। कुछ खिलौने जो आपको बचपन में पसंद होंगे, क्या अभी भी आप उनसे खेलना पसंद करते हैं? नहीं, क्योंकि अभी आप 8th क्लास में आ गए हैं, थोड़े से बड़े आप हो गए हैं, आप किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब आपकी जो पसंद है, उस जो बाल्यावस्था में पसंद थी या शैशवावस्था में जो आपकी पसंद थी, उससे थोड़ा सा चेंज हो चुकी है। अब आप समाज को देखते हैं या चीजों को देखते हैं, जो आपकी जो चीजें हैं खेलने का, मन को बहलाने का, या फिर आपके पसंद के कार्यक्रम, आपके पसंद के गीत या आपके पसंद के खेल, सब अब बदल चुके हैं। तो इसी तरह लेखक भी कहते हैं 8-10 वर्षों में वो इतने बड़े हो चुके थे कि उनकी अब उन लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी मैं कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। तो लेखक कहते हैं मैं मामा के घर तो गया, लेकिन उसी गांव में रहते हुए मुझे कई दिनों तक बदलू का ध्यान नहीं आया, जहां पर अक्सर जो लेखक है वो बचपन में रोज जाया करते थे। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। तो एक चीज से उनका ध्यान बदलू की ओर गया कि उन्होंने देखा कि गांव की अक्सर जो यहां पर जो गांव की ज्यादातर महिलाएं हैं, सबने हाथ में कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले के हाथों में ही लाख की चूड़िया मैंने देखी, विरला यानी कि एक आधा कोई व्यक्ति। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। जब इस तरफ लेखक का ध्यान गया तो अचानक उनको बदलू की याद आ गई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। तो लेखक को ये बात कैसे याद आई, बदलू के बारे में कैसे याद आई कि जो उनके मामा की छोटी बेटी थी वो आंगन में, बरसात का समय था तो वो आंगन में गिरकर फिसल कर गिर गई और उसी के हाथ की जो कांच की चूड़ी थी वो टूटकर उसके हाथ में ही चुभ गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। इसी कारण लेखक को फिर बदलू की याद आ गई। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो लेखक कहते हैं क्योंकि मामा घर में नहीं थे तो लेखक थोड़ा सा बड़े हो गए थे उम्र में, तो अब उन्होंने ही अपनी बहन की, जो मामा की बेटी थी, उसकी मरहम पट्टी की। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने
सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो जो बदलू था, जो उसका वो नीम का पेड़ था जहां पर बैठ के वो लाख की चूड़ियां बनाया करते थे, वहीं पर गए तो वहीं पर वो खाट पर बैठे हुए लेटे हुए मिले। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं, उन्होंने अपना परिचय बदलू को दिया कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक बताते हैं कि उन्होंने कहा कि काका मैं जनार्दन हूँ जो आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल अर्थात अपने दिमाग पर जोर दे रहा हो, सोच रहा हो अतीत के कुछ चित्र। अतीत के चित्र यानी कि पुरानी जो यादें हैं उनको सोच रहा हो, पुरानी जो बातें हैं उनको सोच रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो अब बदलू को याद आ गया और उन्होंने कहा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद आना हुआ आपका। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी उसकी मंचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। तो अब लेखक कहते हैं कि 8-10 वर्षों के बाद वो अपने मामा के घर गए थे, तो अचानक उनको जब बदलू की याद आई, वो वहां पर गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि ना तो इतने टाइम के बाद ना तो अब वहां पर वो मंचिया ही थी जिस पर बैठ के बदलू लाख की चूड़ियां बनाया करते थे, और ना ही वो भट्टी जिस पर वो लाख को पिघलाया करते थे, लाख को आकार दिया करते थे। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक कहते हैं, मैंने पूछा कि काका आजकल आप काम नहीं करते। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो बदलू है उन्होंने लगा दिया कि अब मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई भी पसंद नहीं करता है। गांव में कांच का प्रसार हो गया है। और वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। तो वो मशीनी युग के एक दुख को जाहिर कर रहा है कि किस तरह से मशीनी युग ने उनका जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो एक यहाँ पर रोजगार था, काम था, उसको किस तरह से छीन लिया है, और किस तरह मशीनी युग इन लघु और कुटीर उद्योगों पर भारी पड़ रहा है। जो उद्योग उसके पैतृक, जो उसका एक उद्योग था पैतृक, जो उसका एक काम था उस पर, जो उसके बाबा ने चलाया था, जिससे उसके बाबा की दिनचर्या चलती थी, रोजी रोटी चलती थी, जो उसने चलाया था जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, उसके परिवार का भरण पोषण होता था, आज वो काम लगभग पूर्ण रूप से बंद हो गया है। तो वो कहते हैं कि लाख की चूड़ियों में अब वो सुंदरता लोगों को नजर नहीं आती है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक क्योंकि जो अभी अभी अपने घर से आए हुए थे, जो छोटी सी बेटी थी उनके हाथ पे कांच चुभ गया था, तो लेखक वही यहाँ पर बता रहे हैं कि कांच तो बहुत ज्यादा होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। उसे मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। 8 से 10 वर्ष में
चूंकि जब उसका काम भी बंद हो चुका था तो आप सोचिए कि क्या आर्थिक स्थिति उसके परिवार की रही होगी, क्या स्थिति उसके परिवार की हुई होगी। तो लेखक को लगता है कि उसे दमा जो बीमारी है वो भी हो गई है, और क्योंकि अब परिवार की स्थिति काफी दयनीय है तो उसके साथ साथ ही उनका जो शरीर है वो ढल चुका है और हाथ पैरों में नसें उभर आई है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। क्योंकि लेखक ने कुछ शंका भरी निगाहों से देखा था, कुछ शंका वहां पर अपने फेस पर जाहिर की थी, अपने चेहरे पर दिखाई थी, तो उससे बदलू जो था उसने उनकी शंका को भांपा और उत्तर दिया कि मुझे दमा नहीं है, ये तो फसली खांसी है। फसली खांसी यानी कि जो मौसम के परिवर्तन होने से, मौसम चेंज होने से अक्सर आ जाया करती है। कभी ठंड थोड़ा सा बढ़ जाती है या गर्मी हो जाती है और हम ज्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उससे इस तरह की खांसी, जुखाम, बुखार जैसी परिस्थितियां बन जाती है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक कहते हैं, मैं चुप हो गया और मुझे लगा कि उसके अंदर, यानी कि जो बदलू है उसके अंदर एक बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। देखिए, पहले भी बता चुकी हूँ कि मशीनें प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी करती हैं, काम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा करती है, लेकिन इन्होंने बहुत चीजें जो है वो, जिससे कई लोगों का रोजगार चलता था, कई लोग अपनी जीवनचर्या को इसी के आधार पर काटते थे, इसी के अनुसार चलाते थे, तो वो सब चीजें मशीनी युग ने काफी हमसे छीन ली है। कुछ देर फिर शांति रही, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? तो कुछ देर पश्चात मैंने विषय को बदलते हुए कहा। लेखक कहते हैं, अब मैंने ये जो टॉपिक चल रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि वो पीड़ा में है, दुख में है, तो मैंने विषय को बदला, यानी कि यहाँ पर बात को चेंज की और कहा कि आम की फसल कैसी हुई? अच्छी है लला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया, क्योंकि आम की फसल जो थी वो भी उसका एक सहारा थी, तो उसने खुश होकर उत्तर दिया और अंदर से अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? क्योंकि बचपन में भी बदलू अक्सर लेखक को, जब वो छोटे बालक थे, उनको आम अपने पेड़ से खिलाया करते थे, तो वो कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे जाने दूं। मैं चुप हो गया। वो दिन मुझे याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? देखिए कितना मर्म, कितना दुख इस कहानी में छिपा हुआ है कि एक उसका जो व्यवसाय था उसके बंद हो जाने से उसकी परिवार जो है उसका, वो किस स्थिति पर आकर ठहर गया है कि उसको अपनी गाय तक बेचनी पड़ी, जो गाय उसके घर में दूध दही घी यानी कि इसका सहारा था, जिससे उसका परिवार पलता था, वो भी अब नहीं रहा। क्योंकि वो कहते हैं, मैं उसको खिलाता कहाँ से, क्योंकि गाय के लिए भी चारा दाना लेकर आना पड़ता है, जो कि अब उसका जो जरिया था वो समाप्त हो चुका था, तो फिर गाय को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। इतने में रज्जो, जो उसकी बेटी, अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। यानी कि लेखक कहते हैं, उसकी जो बेटी है वो ढेर सारे आम टोकरी में लेकर आ गई और मैंने कहा कि ये तो बहुत सारे हैं, मैं नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, हंस पड़े, सहरी ठहरे ना, मैं तो तुम्हारी उम्र का था, तो इसे चुगने में आम एक बत्तख में खा जाता था, इससे चौगुने आम, सॉरी, जो
यहाँ पर जो बदलू है वो कहता है कि वाह वाह, तुम तो शहरी ठहरे, मैं तुम्हारी उम्र का जब था तो इससे 4 गुना आम मैं एक बखत में खा जाता था, यानी कि एक बार में मैं इससे 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम कर छांट कर दो, संदूरी वाले देना, देखो कैसे लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी, क्योंकि वो बदलू की ही बेटी थी और वो आज भी, क्योंकि बदलू जो था वो इस मशीनी युग के खिलाफ था, मशीनी युग कांच की चूड़ियों के खिलाफ था, तो उसकी बेटी ने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, बदलू जो थे वो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा निष्ठा उनके काम में थी, वो अक्सर अपने काम के कभी भी पैसे नहीं लिया करते थे, उसके बदले वो अनाज या फिर जरूरत की चीजें ही लिया करते थे। लेकिन जब शादी विवाह का समय आता, क्योंकि उसको वो शगुन के रूप में देखते थे, विवाह के एक जोड़े के रूप में देखते थे, तो उसको उसके उसके बदले वो बहुत सारी चीजें लिया करते थे और वहां पे वो अड़ जाते थे अगर कोई ना दे तो। वो कहते हैं कि जो आखिरी जोड़ा उन्होंने अपने इस व्यवसाय के अंदर बनाया था तो वो था जमींदार की बेटी के लिए चूड़ियां बनाई थी लाख की उनके उसके विवाह के समय, लेकिन वो केवल उसको 5 पैसे 10 आने दे रहा था, जो कि मैंने ये जोड़ा उन्हें 10 आने में नहीं दिया और कहा कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। अब लेखक कहते हैं कि मैंने उसकी बेटी से आम ले लिए और थोड़ी देर पश्चात आम खाकर वहां से चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी थी। जो लेखक है वो कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता हुई कि जो बदलू है वो हार कर भी उसने हार नहीं मानी थी, यानी कि अंत में जब उसका व्यवसाय बंद होने की कगार पे था, आखिर में बंद ही हो गया था, उस समय भी उसने अपनी लाख की चूड़ियों की जो कीमत है, अपनी लाख की चूड़ियों का जो औंधा है उसको बरकरार रखा था, उसको बनाए रखा था, यानी कि क्योंकि अगर उसको लगता कि ये चीज अब लोगों की नजर में बेकार हो गई है, लोग लाख की चूड़ियों को ज्यादा महत्ता देने लगे हैं, तो वो उनको फ्री में दे सकता था या कम पैसों में बेच सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो अपने काम के प्रति बहुत निष्ठा रखता था तो उसने नहीं दी और वो चूड़ियां जो है अपने अपनी बेटी ही को ही पहना दी। अर्थात जो उसका व्यक्तित्व था वो कांच की चूड़ियों के जैसा कच्चा नहीं था जो कि आसानी से टूट जाए। तो ये आज का जो चैप्टर था लाख की चूड़ियां, ये आज कंप्लीट हो चुका है और हमने देखा कि किस तरह बदलू जो था उसने अपने काम के प्रति जो लगन थी, अपने काम के प्रति जो निष्ठा थी, उसको अंत समय तक नहीं छोड़ा था, बरकरार रखा था। तो ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। पाठ से संबंधित प्रश्न जो है उसको हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, उसमें अगले सेशन में हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो मिलेंगे अगले सेशन में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।